तो गाइस आज की जो वीडियो है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं यहाँ पे लेटेस्ट किचन सेट लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉडर्न किचन सेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो लेटेस्ट किचन सेट आया हुआ है वो भी देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ में यहाँ पे कैफे सेट भी देखने को मिलेगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे क्रेजी टॉयज। तो लास्ट वीडियो देखा तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों को परचेस करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक में। मुझे बताया कि दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते, फर्स्ट में यहाँ पे जो डोरेमोन वाला कैफे सेट है उसी को ओपन करना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे ये लेटेस्ट आया हुआ था और आप लोग देख सकते हो काफी बढ़िया नजर आने वाला है। यहाँ पे डोरेमोन का कैरेक्टर है। प्राइस की दोस्तों में बात करना तो ये कुछ 120 रुपए के आसपास मुझे मिल गया था। तो फर्स्ट यहाँ पे चम्मच से बात करते हैं, 3 दोस्तों हमें चम्मच मिलने वाली है और प्राइस के हिसाब से दोस्तों जो क्वालिटी है वो आपको काफी अमेजिंग मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे 4 कप और यहाँ पे दोस्तों कोई डोरेमोन का स्टिकर वगैरह तो नहीं लगा हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है 4 कप, तो ये नॉर्मली कैफे का स्टिकर लगा हुआ है। क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, फिनिशिंग भी आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा रह गया लेकिन काफ़ी मस्त प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे 4 रखे भी अभी हमें मिलने वाली हैं जो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में आप लोग देख सकते हो। फिनिशिंग भी दोस्तों काफ़ी मस्त और प्लास्टिक भी बेस्ट ही मिलने वाला है आप लोगों को। फिर इसके बाद यहाँ पर ये शुगर और मिल्क का जग है जो आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार देखा हुआ है। क्वालिटी दोस्तों काफ़ी शानदार है। और दोस्तों लास्ट में जो हमारा कॉफ़ी का जग होता है वो हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों फिनिशिंग रह गया, थोड़ा सा कट आया हुआ है और आप लोग देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है प्लास्टिक की, लेकिन फिनिशिंग नहीं है, ठीक ठाक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो है कॉफ़ी हाउस मिनी हंट। तो गाइज यहाँ पर आप लोग सेट देख सकते हो, काफ़ी कमाल का सेट मिलने वाला है। प्राइस की दोस्तों में बात करना चाहिए कुछ 150 रुपये के आसपास मुझे मिल गया था। तो फटाफट से इसको करते हैं ओपन और गाइज यहाँ पे क्वालिटी देख लेते हैं क्वालिटी कैसी मिलने वाली है। और यहाँ पे फर्स्ट मिलने वाला है ओरियो का बॉक्स, द ओरिजिनल ओरियो। तो गाइज ये सिर्फ सिंपल सा बॉक्स है, यहाँ पे कोई भी ओरियो वगैरह होने वाला है नहीं सोप इसके लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ये शुगर का बॉक्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चाय पत्ती में डालने के लिए। फिर यहाँ पर ये बटर का बॉक्स है, अमूल बटर है यहाँ पर। इसके साथ हमें टोटल 5 चम्मच मिली हुई है। वैसे दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 का ही स्पेस है लेकिन टोटल 5 चम्मच है, जो 1 चम्मच है वो एक्स्ट्रा मिलने वाला है ये देखिए। और क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूँ तो प्राइस की तरफ से काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे ये सिल्वर परत चढ़ाई गई है, ये जो नॉर्मली अगर आप लोग यूज़ करोगे ना तो ये निकल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग काफ़ी बेस्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 रखे बिया हमें मिलने वाली है चाय वगैरह पीने के लिए। गाइस यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा हुआ है हेलो मिनी का, आप लोग देख सकते हो क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, स्पेस भी काफ़ी मस्त है। फिर 4 कप यहाँ पे हमें मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग कप की क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं, फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त है। फिर लास्ट में यहाँ पे हमारा कॉफ़ी का जग मिलने वाला है। सिर्फ दोस्तों एक ही मिला है, यहाँ पे कोई शुगर वगैरह का जग नहीं मिला, एक ही जग मिलने वाला है। तो क्वालिटी दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह काफ़ी मस्त है और प्लास्टिक क्वालिटी भी बेस्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है प्रीमियम किचन सेट। तो गाइस प्राइस की मैं बात करना थी कुछ 220 रुपये के आसपास मुझे मिल गया था और दोस्तों देखने से तो यार काफ़ी कमाल का नज़र आने वाला है, चीज़ें भी दोस्तों बहुत सारी है। तो फटाफट से इसको कर देते हैं ओपन और क्वालिटी चेक कर लेते हैं भाई इसमें क्या क्या मिलने वाला है लेटेस्ट। तो फर्स्ट दोस्तों हमें एक कढ़ाई मिलने वाली है जिसमें आप लोग सब्जी वगैरह जो भी पकाना चाहो पका सकते हो। क्वालिटी फिनिशिंग दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो काफ़ी मस्त किया गया है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक कढ़ाई मिलने वाली है, नॉनस्टिक कढ़ाई भी आप लोग कह सकते हो, जिसमें एग वगैरह नूडल्स वगैरह आप लोग फ्राई करना चाहो तो कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी और फिनिशिंग देख सकते हो काफ़ी मस्त है। फिर यहाँ पे गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे डिशेज आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दोस्तों 6 डिशेज हमें मिलने वाली है जो क्वालिटी काफ़ी स्टैंडर्ड है, प्रीमियम क्वालिटी। यहाँ पे आप लोग ये देखिए, ये मुझे लगता है कि ये थाली वगैरह हो सकती है ये लंच के लिए, ये कुछ फ्रूट वगैरह आप लोग खाना चाहो तो।
और इसमें दोस्तों डिनर वगैरह जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ये 3 डिशेज है और क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह काफ़ी मस्त लगे मुझे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सब्ज़ी वगैरह धोने के लिए जो बास्केट मिलती है वो भी हमें मिलने वाली है, क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है इसकी भी। फिर यहाँ पे एक कढ़ाई मिलने वाली है जिसमें सब्जी वगैरह आप लोग पकाना चाहो पका सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है, काफ़ी मस्त। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक और बास्केट मिलने वाले जिसमें आप लोग फ्रूट वगैरह रखना चाहो रख सकते हो, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो, क्वालिटी भी काफ़ी मस्त है। यहाँ पे मुझे इसका फिनिशिंग वगैरह दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगा। फिर यहाँ पे एक और हैंडल वाली कढ़ाई मिलने वाली है जो दोस्तों इसका फिनिशिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे फिनिशिंग नहीं है। वैसे दोस्तों क्वालिटी और कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी बेस्ट मिलने वाला है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मस्त। फिर यहाँ पे हमें कुछ किचन के औजार, तो ये सब्जी वगैरह को कट करने के लिए हमें कटर मिलता है। फिर यहाँ पे पाव भाजी वाला चिमटा मिलता है पाव भाजी बनाने के लिए। यहाँ पे कांटे वाली एक चम्मच है। फिर यहाँ पे जो पूरी वगैरह और सेव वगैरह तलने के लिए एक जारी वाला चिमटा मिलता है जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त क्वालिटी। हमारा गैस स्टोव, तो गाइस यहाँ पे गैस स्टोव इस बार है ना थोड़ा सा लेटेस्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे दो फ्लेम है और ये ऑन ऑफ का स्विच है यहाँ पे जो दोस्तों मूवेबल है। इसकी दोस्तों फिनिशिंग और प्लास्टिक क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी हमें मिलने वाली है, काफ़ी मस्त क्वालिटी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं माई लिटल सेफ किचन सेट। तो गाइस प्राइस की मैं बात करूँगा तो ये कुछ 250 रुपये के आसपास मुझे ये किचन सेट मिल गया था। और दोस्तों यहाँ पे जो किचन सेट है वो आपको काफ़ी कलरफुल मिलने वाला है जो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। तो फटाफट से इसको करते हैं ओपन और क्वालिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कांटे वाली चम्मच है, एक नॉर्मल कटर है। तो यहाँ पर आप लोग क्वालिटी और फिनिशिंग देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है, काफ़ी मस्त फिनिशिंग है। फिर इसके बाद यहाँ पे पाव भाजी वाला चिमटा और एक नॉर्मल चम्मच मिलने वाली है। तो क्वालिटी दोस्तों काफ़ी स्टैंडर्ड है, इसकी भी फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग ट्रे देख सकते हो, काफ़ी डिजाइनेबल ट्रे हमें मिलने वाली है। यहाँ पे प्रिंटेड है, कोई भी स्टिकर वगैरह लगा हुआ नहीं है, ये भी प्रिंटेड है। गाइस इसमें सब्जी वगैरह आप लोग कट कर सकते हो और मुझे दोस्तों प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी स्टैंडर्ड लगी इसकी। फिर इसके बाद यहाँ पे ये कुछ ड्रम मिलने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रम किचन सेट। तो ये कुछ बास्केट जैसा है जो पहली बार दोस्तों मिला हुआ है किचन सेट में, और ये भी दोस्तों प्रिंटेड है, यहाँ पे कोई स्टिकर वगैरह नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे ये नॉनस्टिक तवा जिसमें एग वगैरह नूडल्स वगैरह फ्राई कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में मिलने वाला है। और इसमें भी ये प्रिंटेड है, ये भी स्टिकर नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखिए ड्रम किचन सेट। फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो वाला ढक्कन है ना वो शायद इसका है, हाँ ये नहीं नहीं ये इसका नहीं है, पता नहीं यार ये किसका, शायद इसका ही होगा। ये देखिए ये फिनिशिंग से दोस्तों आ रहा है, तो ये इसका ढक्कन है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सगड़ी मिलने वाली है जो लेटेस्ट ज़माने की यहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब प्रिंटेड नंबर वगैरह काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में दोस्तों बनाया गया है, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी मस्त लगे मुझे। इसके बाद यहाँ पे ये जो नॉनस्टिक तवा का ढक्कन था वो यहाँ पे है। तो आप लोग दोस्तों फिनिशिंग देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी मस्त लगा। फिर यहाँ पे सब्जी वगैरह धोने के लिए यहाँ पे बास्केट हमें मिलने वाली है। तो गाइस इतनी सारी सब्जियाँ मिली हुई है, ये देखिए ये क्रॉन है, ये बैगन, ये कैरेट, ये कुछ वेजिटेबल सब्जी वगैरह है, ये मशरूम, और यहाँ पे ये शिमला मिर्च, और ये बास्केट जिसमें आप लोग वॉश वगैरह कर सकते हो। क्वालिटी दोस्तों काफ़ी स्टैंडर्ड मिलने वाली है, काफ़ी मस्त क्वालिटी है। आज यहाँ पे 2-3 डिश देते तो अच्छा होता, लेकिन हमें एक बड़ी ही डिश मिलने वाली है, आप लोग साइज़ देख सकते हो काफ़ी बड़ी डिश, और यहाँ पर प्रिंटेड है, ये देखिए ड्रीम किचन सेट। दोस्तों काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिलने वाली है, ये देखिए क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी स्टैंडर्ड, फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त। और लास्ट में माइक्रो ओवन, तो गाइस यहाँ पे अरे यार ये ढक्कन भी ओपन होता है, सिर्फ 100 पीस के लिए है, लेकिन यहाँ पे इसका जो ढक्कन है वो ओपन होने वाला है। ये भी दोस्तों प्रिंटेड ही है, यहाँ पे कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे मॉडर्न किचन सेट की, जो कुछ 280 रुपये के आसपास मुझे मिल गया था।
तो फटाफट से इसको करते हैं ओपन। ये नॉर्मली दोस्तों ये ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट दोस्तों हमें कुछ सब्जी या फ्रूट वगैरह हमें मिलने वाले, जैसे कि यहाँ पे ये केले का गुच्छा हो गया, ये अंगूर, फिर ये संतरा वगैरह हो सकता है, यहाँ पे पाइनएप्पल भी है और यहाँ पे आम भी, जो अभी आम की सीजन चल रही है। तो क्वालिटी फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्यारा सा एग भी हमें मिलने वाला है, आपको पकाने में काम आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मस्त। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें मिक्सर मिलने वाला है लेटेस्ट ज़माने का, और इसके साथ हमें एक जूस वगैरह पीने के लिए ग्लास भी मिलने वाला है। आप लोग क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है ग्लास की। फिर इसके बाद यहाँ पे मिक्सर देख सकते हो आप लोग, ये देखिए यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो जूस मशीन लिखा हुआ है। तो फिनिशिंग से दोस्तों बनाया गया है यहाँ पे ये मॉडर्न स्टाइल में, और कुछ इस तरीके से निकलता है जैसे दोस्तों हमारा रियल मिक्सर काम करता है ना वैसा ही। ये देखिए ये लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया, ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन इस तरह से करोगे ना तो ये निकल जाएगा। और इसमें हमें चकली भी मिलने वाली जो गोल गोल घूमती भी है, ये देखिए हूबहू दोस्तों रियलिटी जैसा ही मिलने वाला है। क्वालिटी और फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आरओ वाटर, तो ये भी दोस्तों हूबहू रियलिटी जैसा ही, यहाँ पे स्टिकर वगैरह दो नल आपको मिल जाएंगे, और ये बोतल वगैरह को निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे हमें बड़ा सा फ्रिज मॉडर्न, तो ये देखिए ये आइस वगैरह कंपार्टमेंट यहाँ पे है, तो छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो इसमें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये नॉर्मली फ्रिज नहीं है, यहाँ पे दोस्तों हमारे रियल घर में होता है ना वैसा ही फ्रिज हमें मिलने वाला है। दोस्तों ये कूलिंग करने वाला है नहीं, लेकिन काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लेटेस्ट आपको मिलने वाला है, काफ़ी स्पेस है इसमें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लास्ट वाले मॉडर्न किचन सेट की। दोस्तों वो छोटा सा वर्जन था, लेकिन ये हमें काफ़ी बड़ा वर्जन मिलने वाला है। और प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो ये कुछ 600 रुपये के आसपास मुझे मिल गया था। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, जैसे कि यहाँ पे ये राइस कुकर, जिसमें ये सिंचन वगैरह का दोस्तों आप लोगों ने कार्टून ज़रूर देखा होगा, उसमें ये दिखाया गया है। यहाँ पे इसका ढक्कन बाहर आ चुका है और आप लोग देख सकते हो इसमें राइस वगैरह दोस्तों आप लोग पका सकते हो, रियल में तो नहीं पका सकते लेकिन शो पीस में खेलने के लिए। तो काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी मस्त है। इसके बाद यहाँ पे कुछ केले का गुच्छा वगैरह मिलने वाला, ये दोस्तों सीप है शायद, क्या है इसको कॉर्नर्स में दोस्तों ज़रूर बताना इसको क्या कहते हैं। ये केले का गुच्छा है, क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हमें नॉनस्टिक तवा मिलने वाला है। फिर ये है ब्रेड मेकर, तो गाइज यहाँ पे ब्रेड मेकर भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें दोस्तों ब्रेड वगैरह निकालना चाहो तो कुछ इस तरीके से निकाल भी सकते हो, खाना मत, ये सिर्फ शोपीस के लिए। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ब्रेड मेकर की मशीन है, फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त। फिर यहाँ पे जो पहले दोस्तों मिक्सर दिखा ना वैसा ही सेम टू सेम, और जो ग्लास दिखा है ना ये जूस वगैरह पीने के लिए, वो भी सेम टू सेम ही मिलने वाला है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए इसमें चकली वगैरह भी ये घूमने वाली हैं, ये लॉक वगैरह भी ओपन होगा, सेम टू सेम जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी भी सेम ही जैसी। फिर यहाँ पे जो आरओ वाटर दिखा ना आपको, वो भी सेम टू सेम ही मिलने वाला है, साइज़ भी सेम ही जैसा आप लोगों ने देख लिया वो पहले वाला। फिर इसके बाद यहाँ पर माइक्रोवन हमें मिलने वाला है, तो गाइस माइक्रोवन देख सकते हो यहाँ पर स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, और काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाएंगी और क्वालिटी भी काफ़ी मस्त है। फिर यहाँ पे ये जो फ्रीज़र है वो भी आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, ये सेम टू सेम जैसा ही मिलने वाला है, इसमें कोई साइज़ वगैरह का फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम जैसा ही है। छोटी सी डिश है, मुझे लगता है कि एक ही मिली हुई है, आप लोग देख सकते हो ये नाश्ता वगैरह करने के लिए। फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये केकड़ा वगैरह, ये करेला भी मिलने वाला है, ये शिमला मिर्च, कलर दोस्तों अलग है बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चम्मच अलग मिली हुई है इस बार लेटेस्ट, और यहाँ पे पाव भाजी वाला चिमटा बहुत ही छोटा सा। और लास्ट में है यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म, जो दोस्तों काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें आपको सब्जी वगैरह कट करने के लिए एक ट्रे मिल जाएंगी, यहाँ पे गैस फ्लेम है दो, यहाँ पे सब्जी वगैरह धोने के लिए बेजिंग भी मिलने वाला है, नल वगैरह दोस्तों इसके अंदर ही होगा शायद, नहीं इसमें
हाँ ये रहा देखिए, ये नल वगैरह इसके अंदर ही था, तो ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये फुल फ्रेम यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेट हो गया। तो ये दोस्तों मूवेबल नहीं है स्विचे, और आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी, और ये छोटी मोटी चीज़ें रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके अंदर दो डोर मिलने वाले हैं, इसमें दोस्तों कोई म्यूजिक वगैरह बजने वाला है नहीं, सिर्फ शोपीस के लिए। तो गाइस आप लोगों को यहाँ भी जो लेटेस्ट किचन सेट कलेक्शन है उसमें से कौन सा वाला किचन सेट आप लोगों को बेस्ट लगा वो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे जितने भी किचन सेट है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगे, फिर भी दोस्तों आप लोगों को इनमें से एक दो परचेस करने हैं तो मैं सजेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे ये जो मॉडर्न किचन सेट है बड़ा वाला वो आप लोग परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा सामान मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ भी ये जो येलो वाला किचन सेट है वो भी आप लोग परचेस कर सकते हो, ये भी प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट और काफ़ी सारा सामान आने वाला है। इसके बाद यहाँ भी जो कलरफुल वाला किचन सेट है वो भी आप लोग परचेस कर सकते हो, ये भी दोस्तों क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला हो। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।